नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 40। आपसे मुखातिब मैं हूं दीपक यादव। खबर 40 यानी ऐसा बुलेटिन जहां एक जगह आपको मिलती है दिन भर की सारी खबरें फटाफट। शुरुआत होगी कारोबार की अहम खबरों से, फिर राजनीति। बुलेटिन के दूसरे हिस्से में होंगी राज्यों की बड़ी खबरें, स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट के तड़के के साथ दुनिया जहान का हाल। तो शुरू करते हैं आज की खबर 40। कोरोना संकट के खिलाफ जारी जंग के बीच पीएम मोदी ने आज देशवासियों को संबोधित करते हुए बड़ा ऐलान किया। योग दिवस यानी 21 जून से देश में 18 साल से अधिक उम्र वाले सभी लोगों को केंद्र सरकार द्वारा मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी। पीएम ने यह भी ऐलान किया कि राज्यों से वैक्सीनेशन का काम वापस लिया जाएगा और अब केंद्र सरकार ही ये काम संभालेगी। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। यानी देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। पीएम मोदी ने कहा वैक्सीनेशन की पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार उठाएगी। केंद्र सरकार वैक्सीन खरीदकर राज्यों को देगी और वैक्सीनेशन प्रोग्राम में निजी अस्पताल भी शामिल होंगे, लेकिन निजी अस्पतालों को 25% वैक्सीन ही उपलब्ध कराई जाएगी और निजी अस्पताल की सर्विस फीस अधिकतम 150 रुपए होगी। देश में बन रही वैक्सीन में से 25% प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल सीधे ले पाए, ये व्यवस्था जारी रहेगी। प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन की निर्धारित कीमत के उपरांत एक डोज पर अधिकतम 150 रुपये ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्री वैक्सीनेशन के अलावा एक और बड़ा ऐलान किया। अब नवंबर 2021 तक देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दीपावली तक आगे बढ़ाने का फैसला लिया। आज सरकार ने फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा। यानी नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा। देश में डॉक्टरों के साथ हिंसा और वैक्सीन को लेकर हो रही बयानबाजी के मुद्दे पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में आईएमए ने प्रधानमंत्री से डॉक्टरों के काम करने के लिए भयमुक्त माहौल सुनिश्चित करने की मांग की है। चिट्ठी में आईएमए ने पीएम मोदी से अपील की है कि यदि कोई शख्स टीकाकरण अभियान को लेकर भ्रम फैलाता है, उसे महामारी एक्ट या भारतीय दंड संहिता के संबंधित धाराओं के तहत दंडित किया जाए। इसके अलावा अगर किसी स्वास्थ्य कर्मी पर ऑन ड्यूटी हमला हो, हिंसा हो, तो दोषी को 10 साल सजा का प्रावधान हो। जिन डॉक्टरों ने कोरोना ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाई, उन्हें कोविड शहीद का दर्जा दिया जाए, उनके परिवार की देखरेख सरकार करे। केंद्र सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के इलाज की गाइडलाइंस में बदलाव किया है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक जिन मरीजों में कोरोना के लक्षण नजर नहीं आते या हल्के लक्षण हैं, उन्हें किसी तरह की दवाइयां लेने की जरूरत नहीं है। कोई एंटीबायोटिक नहीं लेना है, कोई विटामिन या जिंक की गोली नहीं लेनी है, साथ ही आइवरमेक्टिन का इस्तेमाल नहीं करना है। गाइडलाइंस के मुताबिक बुखार आने पर सिर्फ पैरासिटामोल ही लेना है। जो गाइडलाइन जारी हुई है उसमें कई दवाओं को हटा दिया गया है जिसको डॉक्टर सामान्य लक्षण पर भी लिख रहे थे। इसमें आइवरमेक्टिन, जिंक, मल्टीविटामिन शामिल है। साथ ही कोरोना मरीजों के लिए 6 मिनट वॉक टेस्ट की बात इस गाइडलाइन में कही गई है। इसमें एसिम्प्टोमेटिक मरीजों को सीटी स्कैन जैसे गैर जरूरी टेस्ट लिखने को भी मना किया गया है। देश में जानलेवा कोरोना की दूसरी लहर अब कमजोर पड़ती नजर आ रही है। 61 दिनों बाद बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,636 नए मामले सामने आए हैं और 2,427 लोगों की वायरस से मौत हुई है। हालांकि कल 1,74,399 लोग ठीक भी हुए हैं। फिलहाल देश में कोरोना के एक्टिव केस 14 लाख हो चुके हैं जिनका इलाज अभी जारी है। वहीं देश में
बीते 24 घंटे में करीब 14 लाख लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है और आईसीएमआर के मुताबिक देश भर में बीते 24 घंटे में करीब 16 लाख लोगों की कोरोना टेस्टिंग हुई है। कोरोना की कम होती रफ्तार के साथ ही महाराष्ट्र में 5 फेज में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कोरोना के एक्टिव केस के आधार पर जिलों को 5 लेवल पर बांटा गया है। अगर मुंबई की बात करें तो ये लेवल 3 की श्रेणी में आया है। मुंबई में आज से सभी दुकानों को सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक खोलने की इजाजत मिल चुकी है। आपको बता दें कि गैर जरूरी सेवाओं से जुड़ी दुकानें शनिवार और रविवार को बंद रहेंगी। मुंबई में होटल और प्राइवेट ऑफिस 50% की क्षमता के साथ खुलेंगे। वहीं गार्डन सुबह 5 से 9 बजे तक खुलेंगे। वहीं मुंबई में मेट्रो की सेवाओं की अनुमति मिल गई है, लेकिन फिलहाल मॉल बंद रहेंगे। दिल्ली में भी आज से अनलॉक की प्रक्रिया तेज हो गई है। दिल्ली में आज से ऑड इवन के आधार पर दुकानें खोली जा सकेंगी। मार्केट और मॉल सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगे। साथ ही 50% क्षमता के साथ दिल्ली में मेट्रो सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। वहीं दिल्ली में शराब की दुकानें भी ऑड इवन के हिसाब से खुलेंगी। फिलहाल दिल्ली में रेस्तरां, बार, पार्क, सैलून, ब्यूटी पार्लर को बंद रखा जाएगा। साथ ही कंटेनमेंट जोन में कोई छूट नहीं मिलेगी और सख्ती जारी रहेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वैक्सीनेशन अभियान को गति देने के लिए आज एक नया ऐलान किया। मुख्यमंत्री केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली के मतदान केंद्रों को टीकाकरण केंद्रों में बदला जाए। जहां वोट वहां टीकाकरण अभियान के तहत बूथ के स्तर के अधिकारी यानी BLO घर घर जाकर 45 साल से अधिक उम्र के लोगों के टीकाकरण के लिए स्लॉट बुक करेंगे। CM केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में 45 साल से अधिक उम्र के 57 लाख लोग हैं, जिनमें से 27 लाख को कोरोना वायरस रोधी टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है, जबकि 30 लाख लोगों का अभी टीकाकरण नहीं हुआ है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की अगुवाई वाला प्रतिनिधिमंडल कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेगा। राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने बताया कि इस दौरान वे मराठा आरक्षण, OBC आरक्षण और चक्रवाती तूफान से राहत को लेकर चर्चा करेंगे। इससे पहले महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजीत पवार ने रविवार को कहा था कि राज्य सरकार अन्य समुदायों को मिल रहे आरक्षण में छेड़छाड़ किए बिना मराठाओं को आरक्षण देने के हर संभव प्रयास कर रही है। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में चौतरफा खरीदारी हुई। बाजार आज रिकॉर्ड क्लोजिंग पर बंद हुआ। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों आज नए रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुए हैं। कोरोना केस में तेज गिरावट से निवेशकों को भरोसा बढ़ा है। कारोबार के दौरान निफ्टी ने 15,773 अंकों का नया लाइफ टाइम हाई बनाया। दूसरे कारोबारी सत्र में बाजार में खरीदारों का बोलबाला रहा। कारोबार के अंत में निफ्टी 81 पॉइंट चढ़कर 15,752 पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स 228 पॉइंट चढ़कर 52,328 पर बंद हुआ। आज RIL, TCS, ICICI बैंक, अदानी पोर्ट्स, पावर ग्रिड के शेयरों में खरीदारी ने निफ्टी को सपोर्ट दिया। दबाव बनाने वाले शेयरों में बजाज फाइनेंस, HDFC, बजाज फिनसर्व, JSW स्टील और SBI रहे। निफ्टी के 33 शेयर बढ़त के साथ बंद हुए, जबकि 17 शेयरों में कमजोरी रही। इसी तरह सेंसेक्स के 22 शेयरों में उछाल आया, जबकि 8 शेयर गिरावट के शिकार हुए। बाजार को निफ्टी के एनर्जी सेक्टर के शेयरों में जमकर हुई खरीदारी का सपोर्ट मिला। इसके अलावा मीडिया, IT, FMCG, ऑटो और बैंकिंग इंडेक्स में भी मजबूती रही। निफ्टी के मेटल, रियल्टी, फार्मा और फाइनेंशियल सेक्टर इंडेक्स में कमजोरी आई। निफ्टी के स्मॉल कैप इंडेक्स में करीब 1.25% की तेजी रही, जबकि मिड कैप इंडेक्स में 1.5% से ज्यादा का उछाल आया। टायर कंपनी MRF का जनवरी मार्च तिमाही में कंसो मुनाफा 679 करोड़ रुपए से घटकर 332 करोड़ रुपए रहा। इस दौरान कंपनी की आय 3,685 करोड़ रुपए से बढ़कर 4,816 करोड़ रुपए रही। कंपनी का कामकाजी मुनाफा 583 करोड़ रुपए से बढ़कर 766 करोड़ रुपए रहा। चौथी तिमाही में कंपनी का मार्जिन 15.8% से बढ़कर 15.9% रहा। चौथी तिमाही में कंपनी ने 94 प्रति शेयर और 50 रुपए प्रति शेयर स्पेशल डिविडेंड का ऐलान किया है, यानी कंपनी अपने निवेशकों को कुल 144 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड देगी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने गुजरात में एक्सपेंशन प्लान पर 24,000 करोड़ रुपए निवेश करने का ऐलान किया है। कंपनी ने कहा है कि वडोदरा स्थित कोयली रिफाइनरी की कैपेसिटी 4.3 मिलियन टन से बढ़ाकर सालाना 18 मिलियन टन किया जाएगा। इसे लेकर MOU हस्ताक्षर समारोह में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शामिल हुए। इनकम टैक्स की नई वेबसाइट आज से शुरू हो गई है। अब इनकम टैक्स से जुड़े सभी काम www.incometax.gov.in पर होंगे। पुरानी वेबसाइट को 1 जून को ही बंद किया जा चुका है। नए पोर्टल पर टैक्स पेयर्स को पुरानी वेबसाइट के मुकाबले ज़्यादा सहूलियतें मिलेंगी। इसमें से कई नए फीचर जोड़े गए हैं। इससे न सिर्फ रिटर्न फाइलिंग में आसानी होगी, बल्कि रिफंड भी जल्दी मिल पाएगा।
नए पोर्टल पर प्री फाइलिंग का विकल्प भी है, जिसमें कम से कम डेटा एंट्री करनी होगी। हालांकि आयकर विभाग ने यह साफ कर दिया है कि नई वेबसाइट आज से शुरू हो गई है, लेकिन टैक्स पेमेंट की शुरुआत 18 जून को होगी। इसके अलावा पहली बार दी जा रही मोबाइल ऐप की सुविधा को भी 18 जून से शुरू किया जाएगा। FMCG कंपनी इमामी ने चालू वित्त वर्ष में अब तक अपने प्रोडक्ट की कीमत में औसतन 4% तक की बढ़ोतरी की है। लागत में हुई बढ़ोतरी से निपटने के लिए कंपनी ने यह कदम उठाया है। इससे कंपनी को अपना ग्रॉस मार्जिन 66% से 67% पर बनाए रखने में मदद मिलेगी। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। कंपनी ने यह भी कहा कि भविष्य में परिस्थितियों के अनुसार फैसला लेगी। उन्होंने कहा कि कीमतों में बढ़ोतरी से हमें अभी तक ग्रॉस और एबिटा मार्जिन पर कोई दबाव नहीं दिख रहा है। कीमतों में बढ़ोतरी का सबसे ज्यादा असर पेन और समर ब्रांड्स पोर्टफोलियो पर पड़ा है। पेट्रोल डीजल महंगाई पर ब्रेक लगती नहीं दिख रही है। जून में आज चौथी बार इनकी कीमतों में बढ़ोतरी हुई। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल 101 रुपए 52 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया। इस बढ़ोतरी के साथ अब देश में 6 राज्यों में पेट्रोल के दाम 100 रुपए के पार निकल गए हैं। वहीं डीजल के दाम भी अब 100 रुपए के करीब पहुंच रहे हैं। दिल्ली आज पेट्रोल 28 पैसे महंगा होकर 95 रुपए 31 पैसा और डीजल 27 पैसे महंगा होकर 86 रुपए 22 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है। इस महीने अब तक पेट्रोल 1 रुपए 8 पैसे और डीजल 1 रुपए 7 पैसे महंगा हुआ है। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के सभी जिलों में पेट्रोल 100 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं तेलंगाना और लद्दाख में भी कई जगहों पर पेट्रोल 100 रुपए लीटर के पार निकल गया। वर्ल्ड बैंक ने भारत सरकार की MSME सेक्टर की मदद के लिए $500 मिलियन के कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। सरकार ने 30 मई को अपनी 3 लाख करोड़ रुपए की इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को 3 महीने बढ़ाने का ऐलान किया था। इस स्कीम को 30 जून 2021 से बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दिया गया था। वित्त मंत्रालय ने अस्पतालों, नर्सिंग होम, क्लिनिक, मेडिकल कॉलेजों को ऑन साइट ऑक्सीजन प्लांट को स्थापित करने के लिए 2 करोड़ रुपए तक के लोन पर 100% गारंटी का भी ऐलान किया था, जिसमें ब्याज दर की सीमा 7% रखी गई है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच ने कहा है कि कोरोना काल में सरकारी बैंकों के निजीकरण में कई मुश्किलें आ सकती हैं। फिच के मुताबिक विपक्षी पार्टियों के विरोध के साथ साथ स्ट्रक्चरल दिक्कतें भी निजीकरण की राह में रोड़ा बन सकती है। फिच ने यह भी कहा कि कोरोना के चलते बैलेंस शीट में दिक्कतें भी एक बड़ी समस्या बन सकती है। फिच ने कहा कि बैंकों के प्राइवेटाइजेशन को ट्रेड यूनियन के विरोध का भी सामना करना पड़ेगा। आपको बता दें कि सरकार ने बजट में 2 सरकारी बैंकों के निजीकरण का ऐलान किया था, जिसे मौजूदा वित्त वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। दुनिया की 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों में ग्लोबल टैक्सेशन सिस्टम पर सहमति बन गई है। इन देशों को ग्रुप ऑफ 7 यानी G7 कहा जाता है। इनमें अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, इटली और जापान जैसे विकसित देश शामिल हैं। हाल ही में लंदन में G7 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर को की 2 दिवसीय बैठक में 15% ग्लोबल मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स को लेकर सहमति बनी है। इसका मतलब यह है कि ये देश गूगल, फेसबुक और ट्विटर जैसी मल्टीनेशनल कंपनियों से कम 15% टैक्स ले सकेंगे। G7 देशों के बीच ग्लोबल मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स को लेकर हुए समझौते से भारत को भी फायदा मिलेगा। CBSE ने 12वीं के नतीजों से पहले आज सभी स्कूलों को नया सर्कुलर जारी किया है। CBSE ने स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि सभी स्कूल 28 जून तक प्रैक्टिकल और इंटरनल टेस्ट पूरा कर लें। CBSE के नोटिस में कहा गया है कि स्कूल इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल परीक्षा का आयोजन ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं। बता दें कि इससे पहले CBSE ने 11 फरवरी 2021 को सभी स्कूलों को निर्देश दिया था कि वो इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल परीक्षा के नंबर 11 जून तक बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करें, लेकिन कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन के चलते स्कूल बंद कर दिए गए और इन परीक्षाओं का आयोजन नहीं किया जा सका। लेकिन अब सभी स्कूलों को 28 जून तक प्रैक्टिकल और इंटरनल टेस्ट पूरा कर लेना होगा। कोरोना महामारी के चलते पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द करवा दी हैं। पश्चिम बंगाल में इस साल 12 लाख से अधिक छात्रों को 10वीं और 8.5 लाख छात्रों को 12वीं की परीक्षाओं में बैठना था। आपको बता दें कि CBSE द्वारा 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द करने के बाद कई राज्य सरकारों ने 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा की है। वहीं कोरोना महामारी की दूसरी लहर के मद्देनजर केंद्र सरकार ने 1 जून को CBSE की 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया था। कर्नाटक में चल रहा सियासी नाटक अभी खत्म होता नहीं दिखाई दे रहा है। कई दिनों से वहां CM BS येदुरप्पा को हटाने की अटकलें लगाई जा रही थी। हालांकि येदुरप्पा खुद इस बात को नकार चुके हैं। वहीं अब BJP के 65 विधायकों में से एक लेटर पर साइन कर उन विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है जिन्होंने CM के खिलाफ बातें कहीं।
बताया जा रहा है कि बीजेपी विधायकों का साइन किया ये लेटर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण सिंह को भेजा जाएगा। खबर है कि 10 दिन बाद अरुण सिंह बेंगलुरु दौरे पर आएंगे। भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चौकसी ने एंटीगुआ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। मेहुल चौकसी का कहना है कि एंटीगुआ पुलिस के 8 से 10 लोगों ने उन्हें बेरहमी से पीटा, उनका फोन, घड़ी और वॉलेट छीन लिया। आपको बता दें कि मेहुल चौकसी फिलहाल डोमिनिका में पुलिस की गिरफ्त में है। मेहुल एंटीगुआ में से 23 मई की शाम अचानक लापता हो गए थे। उसके बाद 26 मई को डोमिनिका में आंतरिक सुरक्षा मंत्रालय ने उनको डोमिनिकल हिरासत में होने की पुष्टि की। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने आज कोरोना वैक्सीन की डोज लगवा ली है। गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में मुलायम सिंह यादव ने वैक्सीन की पहली डोज ली। मुलायम सिंह के वैक्सीन लगवाने के बाद यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर तंज कसा। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर स्वदेशी वैक्सीन लगवाने के लिए मुलायम सिंह को धन्यवाद दिया, साथ ही अखिलेश को वैक्सीन पर अफवाह फैलाने के लिए माफी मांगने की बात कही। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार को सांस लेने में कुछ तकलीफ के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी तबीयत बिगड़ने की अफवाहें चलने लगी थी। लेकिन दिलीप कुमार की पत्नी सायरा बानो ने एक ट्वीट के जरिए स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने लिखा कि व्हाट्सएप पर शेयर हो रही अफवाहों पर विश्वास न करें, दिलीप साहब बिल्कुल ठीक हैं, उनकी तबीयत स्थिर है, दुआओं के लिए सभी का शुक्रिया। डॉक्टरों के मुताबिक वे 2-3 दिन में घर आ जाएंगे। इससे पहले उन्होंने बताया था कि दिलीप साहब को रूटीन चेकअप के लिए एक नॉन कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पिछले कई दिनों से उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, डॉक्टर उनकी देखभाल कर रहे हैं। एनसीबी को दिया गया रिया चक्रवर्ती का एक बालिया बयान मीडिया में वायरल हो रहा है। इसमें उन्होंने सारा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बताया जा रहा है कि रिया का ये बयान जांच एजेंसी ने अपनी चार्जशीट में शामिल किया है। रिया इस कथित बयान में बता रही हैं कि उनके और सारा के बीच ड्रग्स से जुड़ी बातचीत हुई थी, जिसमें सारा हैंगओवर के उपाय बताती थी। ये सिर्फ टेक्स्ट था, व्यक्तिगत रूप से कोई बातचीत नहीं हुई। सारा रोल्ड डुबीज लिया करते थी। कुछ मौके पर उन्होंने सारा के साथ खास तरह की ड्रग्स ली थी। रिया के मुताबिक सारा ही उन्हें डुबीज मुहैया कराती थी। कुछ दिन पहले जी बिजनेस ने फिल्म ओ माई गॉड के सीक्वल की खबर दर्शकों को दी थी। अब खबर इससे जुड़ी अपडेट की है। एक्ट्रेस यामी गौतम को अक्षय कुमार के अपोजिट साइन किया गया है, साथ ही फिल्म के डायरेक्टर का नाम भी फाइनल कर दिया गया है। फिल्म को अमित राय डायरेक्ट करेंगे। फिल्म में परेश रावल की जगह पंकज त्रिपाठी नजर आएंगे। फिल्म की शूटिंग सितंबर में शुरू होने की उम्मीद है। बता दें कि हाल ही में यामी गौतम ने उरी फिल्म डायरेक्टर आदित्य धर से शादी की है, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। निर्माता निर्देशक करण जौहर एक साथ 3 नए चेहरों को बॉलीवुड में लॉन्च करने जा रहे हैं। खबर है धड़क बनाने वाले शशांक खेतान के साथ मिलकर करण एक रोमांटिक लव ट्रायंगल बनाने जा रहे हैं। फिल्म में संजय कपूर की बेटी शनाया कपूर, इसके अलावा लक्ष्य लालवानी और गुरफतेह पीरजादा दिखाई देंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये फिल्म 1 साल के अंत तक फ्लोर पर जा सकती है। फिल्म का बड़ा हिस्सा विदेश में शूट होना है, जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं। मशहूर गायक सईद साबरी का 85 साल की उम्र में हार्ट अटैक से निधन हो गया। उन्होंने बॉलीवुड फिल्म सिर्फ तुम में एक मुलाकात जरूरी है सनम और हिना फिल्म में देर ना हो जाए जैसे सुपरहिट गीत गाकर राजस्थान का नाम रोशन किया था। वे कुछ सालों से बीमार चल रहे थे। करीब 2 महीने पहले उनके बड़े बेटे और मशहूर गायक फरीद साबरी का भी इंतकाल हो गया था। देश विदेश में गायक सईद साबरी और उनके दोनों बेटे फरीद और अमीन की जोड़ी साबरी ब्रदर्स के नाम से मशहूर थी। पहले फरीद और अब उनके पिता सईद साबरी की मौत के बाद ये जोड़ी बिखर गई है। T20 वर्ल्ड कप के 15 महीने बाद BCCI ने महिला खिलाड़ियों को प्राइज मनी दे दी है। BCCI ने महिला टीम को 3.5 करोड़ रुपए दे दिए हैं, वहीं घरेलू क्रिकेटरों को अभी तक मुआवजा नहीं दिया है। दरअसल पिछले साल मार्च में ऑस्ट्रेलिया में हुए महिलाओं के T20 वर्ल्ड कप में भारतीय महिला टीम उप विजेता थी। इंटरनेशनल क्रिकेट की ओर से टूर्नामेंट के समाप्त होने के 1 हफ्ते के अंदर ही ये राशि BCCI को भेज दी थी ताकि खिलाड़ियों को दी जा सके, लेकिन BCCI की ओर से इस राशि को नहीं बांटा गया था। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ओली रॉबिन्सन को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से निलंबित कर दिया गया है। 8 साल पहले नस्लवाद को लेकर सोशल मीडिया पर किए विवादास्पद पोस्ट की वजह से ऐसा हुआ है। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने इसकी पुष्टि की है। बोर्ड ने अपने बयान में कहा है कि जांच पूरी होने तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से दूर रहेंगे। 27 साल के रॉबिन्सन ने स्वीकार किया है कि उन्होंने टीनेज में सोशल मीडिया पर नस्लवाद और लिंग भेद को लेकर कमेंट किया था। इसके लिए उन्होंने माफी मांग ली थी। उन्होंने कहा था कि इसके लिए वो शर्मिंदा है।
11 जून से यूईएफए यूरो कप 2020 का आगाज होने जा रहा है। इसे यूईएफए यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप और यूईएफए यूरोपियन चैंपियनशिप के नाम से भी जाना जाता है। इस टूर्नामेंट का आगाज 1960 में हुआ था और ये हर चार साल में खेला जाता है। हालांकि 2020 में इसे कोरोना के चलते एक साल पोस्टपोन करना पड़ा। फीफा वर्ल्ड कप के बाद इस टूर्नामेंट का सबसे ज्यादा महत्व है और इसलिए इसे मिनी वर्ल्ड कप भी कहा जाता है। यूरोप के दिग्गज देश इस टूर्नामेंट में आमने सामने होते हैं। अब तक इस टूर्नामेंट को ज्यादा से ज्यादा दो देशों ने होस्ट किया है। 60 साल के टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार 11 देश मिलकर इस टूर्नामेंट की मेजबानी करेंगे। फ्रेंच ओपन में रविवार को प्री क्वार्टर फाइनल में कजाकिस्तान की एलिना रिबाकिना ने बड़ा उलटफेर किया। उन्होंने तीन बार की फ्रेंच ओपन चैंपियन सेरेना विलियम्स को लगातार दो सेटों में हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। रिबाकिना पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के क्वार्टर फाइनल में पहुंची हैं। वहीं मेन सिंगल्स में भी एलेजांद्रो डेविडोविच पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के टॉप आठ में पहुंचे हैं। इसके अलावा डेनिल मेदवेदेव, स्टेफानोस सित्सिपास, अलेक्जेंडर ज्वेरेव भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। महिलाओं में वर्ल्ड नंबर टू नाओमी ओसाका के फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट छोड़ने के बाद अब टूर्नामेंट को एक और झटका लगा है। 20 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन रोजर फेडरर ने टूर्नामेंट से नाम वापस ले लिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर खुद इसकी जानकारी दी। शनिवार को तीसरे दौर के मैच के बाद वे काफी थके हुए दिख रहे थे और उनके घुटनों में तकलीफ थी। पिछले 1.5 साल से वे इस परेशानी से जूझ रहे हैं और इस दौरान उन्होंने 2 बार सर्जरी भी कराई। अपनी टीम से बातचीत करने के बाद ही फेडरर ने हटने का फैसला लिया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक उनके घुटने की 2 सर्जरी के बाद शरीर को आराम देना जरूरी है।